नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। न्यूरो मस्तिष्क हृदय तंत्र रोग से संबंधित बीमारी से घबराएं नहीं, क्योंकि अब आपके पास एक खास ऑप्शन है। जयपुर के मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पृथ्वी गिरी, जिससे आज हमारे संवाददाता ओपी वर्मा ने जयपुर में खास बातचीत की। डॉक्टर पृथ्वी गिरी ने कहा कि घबराहट, लकवा, अधरंग, नियमित प्रकार का दर्द, दौरा पड़ना इत्यादि बीमारी की शिकायत होने पर किसी खास विशेषज्ञ से परामर्श लेना अनिवार्य है। नियमित रूप से हो रहे दर्द और दौरा पड़ने की स्थिति में लापरवाही न बरतें, क्योंकि ये शरीर की जांच पूरी तरह से होनी आवश्यक है और उसके बाद ही उपचार करवाने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि शरीर में बीमारी की जांच करवाए बिना इलाज संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जादू मंत्र और टोटका जैसी चीज़ों से बचें, क्योंकि आपको विशेषज्ञ से जांच करवाकर ही स्वास्थ्य का लाभ संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि शरीर में बारीक नाड़ियों के रुकने तथा फट जाने से शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न होने लगते हैं, इसलिए संभावना ऐसी भी है कि विशेषज्ञ से राय लेकर ही इलाज करवाना चाहिए। आइए देखते हैं ओपी वर्मा के साथ उनकी खास बातचीत। तो आप उनको कैसे हेल्प करते हैं? लेकिन ये स्टडी और एक्सपीरियंस के बाद में इतना एक न्यूरो फिजिशियन के लिए इजी हो जाता है, जो कि जिनके जो MBBS या जो बाकी डॉक्टर उनके लिए वो डिफिकल्ट रहता है। न्यूरो संबंधी जो कॉमन हम जो बीमारी जो देखते हैं उसमें जैसे लकवा है, लकवे के बारे में मैं जरूर यहां बताना चाहूंगा कि लकवे को पहचानना बहुत ही आसान काम है। WHO ने उसको पहचानने के लिए एक एक्रोनिम दिया था FAST फास्ट, क्योंकि फास्ट हर कोई याद रख सकता है। FAST फॉर फेस मतलब चेहरे का तिरछा होना, A फॉर आर्म हाथ पैर का टेढ़ा होना मतलब कमजोर होना, और S फॉर स्पीच आवाज का लड़खड़ाना। तो लकवे के मरीज कहीं भी हो उनमें समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। इनमें से कोई भी लक्षण हो, FAST फास्ट, चेहरे का तिरछा होना, हाथ पैर में दिक्कत होना, आवाज का लड़खड़ाना और T फॉर टाइम, ऐसा कहीं भी दिक्कत हो ऐसे मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनका इलाज कराना चाहिए। क्योंकि लकवा विश्व में हर अल्टरनेट सेकंड में, हर एक दूसरे सेकंड में किसी को लकवा हो जाता है, हर 6 सेकंड में लकवे की वजह से किसी की मौत हो जाती है, और भारत देश में अकेले 3,000 से 4,000 लोगों को लकवा होता है। और लकवे का सही समय पे इलाज होने से उनको विकारता कभी तक नहीं आती। कई बार जो कुछ डॉक्टर से डरा देते हैं, अभी आपको गंभीर बीमारी होगी, आप नीलो का ये करिए वो करिए, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि गंभीर बीमारी का जब तक कोई टेस्ट नहीं होता तब तक कह पाना मुश्किल होता है कि गंभीर है नहीं। और आज के साइंस के इस युग के अंदर कोई ऐसी बीमारी गंभीर नहीं है, क्योंकि लगभग सभी मर्ज का इलाज आज तो सर। आप डेली रूटीन में कई ऐसे पेशेंट देखते हुए जो एकदम सीरियस हो जाते हैं, तो उनको आप कैसे सामना देते हैं? देखिए ऐसा होता है कि सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ज्यादातर मरीज, हम किसी मरीज के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये पूर्णतया ठीक हो या नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर जो मरीज होते हैं, मैं एक एवरेज आंकड़ा आपको बताऊं कि एक हमारे पास या हॉस्पिटल में आने वाले 100 में से 90 मरीज घर चले जाते हैं ठीक होके। 5% मरीजों की एक्सपायर भी हो जाते हैं और 5% मरीज ऊपर नीचे भी होते हैं। उसमें कुछ रेशियो ग्रामीण क्षेत्र के अनपढ़ लोग भी शामिल होते हैं? देखिए अनपढ़ लोग आते हैं, लेकिन अनपढ़ गांव के आते हैं उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपना समय डॉक्टर से पहुंचने से पहले काफी समय बर्बाद कर चुके होते हैं, इसलिए उन लोगों में थोड़ी विकारता या रहने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी रोग गंभीर या ऐसा तय नहीं होता, उसको डॉक्टर की सलाह लें और पूर्ण जांच के बाद ही वो नतीजे पे पहुंचे। एकदम उनको डरा दिया जाता है, जैसे अरब भी लोग डरा देते हैं, ऐसे डॉक्टर होते हैं जो उनका सेटिंग होता है। उसमें क्या होता है कि कई बार उनमें रोग तो होता है छोटा और भय ज्यादा हो जाता है। तो उस क्या करते हैं? करने के लिए हम उनको बताते हैं कि देखिए हम किसी रोग को लक्षण के आधार पे बताते हैं कि आपने ऐसा रख। ज्यादातर जो आपने पूछा वो कहाँ होता है, जैसे किसी मरीज को सरदर्द है, वो कहीं किसी के पास गया या कहीं सुना कि उसके तो ट्यूमर था किसी और को, वो छोड़ देता है कि मेरे तो ब्रेन ट्यूमर हो गया। वो हमारे पास भी आता है कि डॉक्टर साहब इसकी जांच करा दो, मेरे को तो ट्यूमर का शक है। लेकिन ट्यूमर का हम जो दर्द है वो एक लक्षण के आधार पर ही बता सकते हैं कि इस मरीज में ट्यूमर हो सकता है या इसमें नहीं हो सकता। तो ऐसे ड्राउनी से क्या हाथ पे भी असर पड़ता है? बिल्कुल, उसके पूरे बॉडी पे कई बार जो रोग तो दूर हो जाता है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर इस दर्द के मारे या भय के मारे BP शुगर की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी प्रैक्टिस एक जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स के सलाह लेने के बाद ही वो इस बात पे बिलीव करे, अन्यथा वो बिलीव ना करे तो ज्यादा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो मरीज हैं वो इसको देख करके लाइक करेंगे और आपसे संपर्क करेंगे। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है,
लेकिन ये स्टडी और एक्सपीरियंस के बाद में इतना एक न्यूरो फिजिशियन के लिए इजी हो जाता है, जो कि जिनके जो एमबीबीएस या जो बाकी डॉक्टर हैं उनके लिए वो डिफिकल्ट रहता है। न्यूरो संबंधी जो कॉमन हम जो बीमारी जो देखते हैं उसमें जैसे लकवा है, लकवे के बारे में मैं जरूर यहां बताना चाहूंगा कि लकवे को पहचानना बहुत ही आसान काम है। WHO ने उसको पहचानने के लिए एक एक्रोनिम दिया था FASTी, फास्ट, क्योंकि फास्ट हर कोई याद रख सकता है। FASTी फास्ट, F फॉर फेस मतलब चेहरे का तिरछा होना, A फॉर आर्म हाथ पैर का टेढ़ा होना मतलब कमजोर होना, और S फॉर स्पीच आवाज का लड़खड़ाना। तो लकवे के मरीज कहीं भी हो उनमें समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। इनमें से कोई भी लक्षण हो, FASTी फास्ट, चेहरे का तिरछा होना, हाथ पैर में दिक्कत होना, आवाज का लड़खड़ाना और टी फॉर टाइम, ऐसा कहीं भी दिक्कत हो ऐसे मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनका इलाज कराना चाहिए। क्योंकि लकवा विश्व में हर अल्टरनेट सेकंड में, हर एक दूसरे सेकंड में किसी को लकवा हो जाता है, हर 6 सेकंड में लकवे की वजह से किसी की मौत हो जाती है, और भारत देश में अकेले 3 से 4 हजार लोगों को लकवा होता है, और लकवे का सही समय पे इलाज होने से उनको बिगाड़ता कभी तक नहीं आती। कई बार जो कुछ डॉक्टर ऐसे डरा देते हैं अभी आपको गंभीर बीमारी होगी, आप नीलो का ये करिए वो करिए, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि गंभीर बीमारी का जब तक कोई टेस्ट नहीं होता तब तक कह पाना मुश्किल होता है कि गंभीर है नहीं। और आज के साइंस के इस युग के अंदर कोई ऐसी बीमारी गंभीर नहीं है, क्योंकि लगभग लगभग सभी मर्ज का इलाज आज तो सर आप डेली रूटीन में कई ऐसे पेशेंट देखते हुए जो एकदम सीरियस हो जाते हैं, तो उनको आप कैसे सामना देते हैं? देखिए ऐसा होता है कि सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ज्यादातर मरीज, हम किसी मरीज के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये पूर्णतया ठीक हो गया नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर जो मरीज होते हैं, मैं एक एवरेज आंकड़ा आपको बताऊं कि एक हमारे पास या हॉस्पिटल में आने वाले 100 में से 90 मरीज घर चले जाते हैं ठीक होके, 5% मरीजों की एक्सपायर भी हो जाते हैं और 5% मरीज ऊपर नीचे भी होते हैं। उसमें कुछ रेशियो ग्रामीण क्षेत्र के अनपढ़ लोग भी शामिल होते हैं? देखिए अनपढ़ लोग आते हैं, लेकिन अनपढ़ गांव के आते हैं उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपना समय डॉक्टर से पहुंचने से पहले काफी समय बर्बाद कर चुके होते हैं, इसलिए उन लोगों में थोड़ी विकारता या रहने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी रोग गंभीर या ऐसा तय नहीं होता, उसको डॉक्टर की सलाह लें और पूर्ण जांच के बाद ही वो नतीजे पे पहुंचे। एकदम उनको डरा दिया जाता है, जैसे गांव के अरब भी लोग डरा देते हैं, ऐसे डॉक्टर होते हैं जो उनका सेटिंग होता है। उसमें क्या होता है कि कई बार उनमें रोग तो होता है छोटा और भय ज्यादा हो जाता है। तो उस क्या करते हैं? करने के लिए हम उनको बताते हैं कि देखिए हम किसी रोग को लक्षण के आधार पर बताते हैं कि आपने ऐसा रख, ज्यादातर जो आपने पूछा वो कहां होता है, जैसे किसी मरीज को सरदर्द है, वो कहीं किसी के पास गया या कहीं सुना कि उसके तो ट्यूमर था किसी और को, वो जोड़ देता है कि मेरे तो ब्रेन ट्यूमर हो गया, वो हमारे पास भी आता है कि डॉक्टर साहब इसकी जांच करा दो, मेरे को तो ट्यूमर का शक है। लेकिन ट्यूमर का हम जो दर्द है वो एक लक्षण के आधार पर ही बता सकते हैं कि इस मरीज में ट्यूमर हो सकता है या इसमें नहीं हो सकता। तो ऐसे ड्राउनी से क्या हाथ पे भी असर पड़ता है? बिल्कुल, उसके पूरे बॉडी पे कई बार जो रोग तो दूर हो जाता है लेकिन उस व्यक्ति के अंदर इस दर्द के मारे या भय के मारे बीपी शुगर की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी प्रैक्टिस एक जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स के सलाह लेने के बाद ही वो इस बात पे बिलीव करे, अन्यथा वो बिलीव ना करे तो ज्यादा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जो मरीज हैं वो इसको देख करके लाइक करेंगे और आपसे संपर्क करेंगे।